कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार सुबह नेकमा के पास नाले में एक बस अनियंत्रित होकर जा गिरी। घटना में एक महिला घायल हुई है, जबकि अन्य यात्रियों को आंशिक रूप से चोटें आई हैं। बस पलटते ही ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बस गुना से बमोरी जा रही थी। मंडलोई बस नंबर MP04PA0381 लगभग 25-30 सवारियों को भरकर ले जा रही थी। इस बीच नेकमा के पास तालाब किनारे नाले में अनियंत्रित होकर जा गिरी। इस घटना में कमलीबाई पति गणेश पटेलिया निवासी श्यामपुरा घायल हो गई। वहीं अन्य सभी यात्रियों को स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। यहां बताना लाजमी होगा कि ग्रामीण अंचलों के रूट पर चलने वाली अधिकतर बसें कंडम हैं। हैरानी भरी बात तो यह है कि बसें अनफिट हैं, फिर भी इन्हें फिटनेस कैसे जारी हो जाती है? इस सवाल का जवाब परिवहन विभाग के पास भी नहीं है। ग्रामीण अंचलों में चलने वाली सभी बसें ओवरलोड होकर चल रही हैं। बस चालक रोजाना सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन परिवहन विभाग इससे कोई सरोकार नहीं रखता।